आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं श्री विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं, शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों। ACC विद्या सारथी ऑनलाइन छात्रवृत्ति से उच्च शिक्षा हेतु कटनी जिले के 139 छात्र हुए लाभान्वित। कैमोर डायरेक्टर प्लांट KR रेड्डी के मार्गदर्शन में ACC ट्रस्ट कैमोर सीमेंट वर्ष के तत्वाधान में CSR कार्यक्रम के अंतर्गत SMTI कैमोर के प्रांगण में ACC विद्या सारथी छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कटनी जिले के 139 छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जो कि सहयोगी जनमंगल संस्थान के सहयोग से सीधा बच्चों के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट संतोष प्रसाद तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज, कैमोर। हमारे परिवार के मुखिया श्री BK मिश्रा जी, डायरेक्टर प्रोजेक्ट अमेठा श्री मनोज शर्मा जी, मंच पर उपस्थित मेरे कलीग्स, यहाँ पर जिन लोगों ने इस वजीफे को पाया है उनके प्रति मेरा संबोधन, और उनके विशेष रूप से जिनके माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को मेरा संबोधन, और खासकर CSR की टीम और KNET के नेतृत्व में जो मेरे अगल बगल खड़ी हैं उनके लिए भी मेरा संबोधन। आज ACC कैमूर अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता है कि आज हमारे यहाँ मानव संसाधन के सबसे बड़े अधिकारी न केवल भारतवर्ष के बल्कि जो एशिया का भी प्रतिनिधित्व करते हैं मानव संसाधन में हमारे बीच में उपस्थित हुए, और उन्होंने जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो उनके थॉट प्रोसेस हैं, आप लोगों के समक्ष में रखा। किस तरह उन्होंने बात की, जो हमारा ACC है किस तरीके से कम्युनिटी के, इस समाज के कितना नज़दीक है, क्योंकि अगर समाज नहीं है तो ACC नहीं है, और ACC नहीं है तो समाज नहीं है। खासकर इस समाज की बात है, क्योंकि कई लोगों से मैं सुनता हूँ वो बोलते हैं कि कटनी ज़िले में जो विजय राघवगढ़ तहसील है, अगर तहसील में से ACC को कैमूर को हटा दिया जाए तो उस तहसील का क्या फ़ायदा है। तो ऐसी बातें जो सुनाई पड़ती हैं। ये जो विद्यासारथी ACC विद्यासारथी स्कॉलरशिप स्कीम है, इसका मैं आज तीसरी बार हिस्सा बनने जा रहा हूँ, और ये मेरे को मौका मिला है। ये मेरे दिल के बहुत क्लोज है, क्योंकि इसमें शिक्षा की बात करते हैं, इसमें रोजगार की बात करते हैं। कई बच्चे जो ITI जिन्होंने किया, जो नर्सिंग जो कर रही हैं, खासकर जो लोगों ने डिप्लोमा किया या जो अभी इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जिनको जो लाभान्वित हुए हैं इस स्कॉलरशिप स्कीम से, आपने सुना कि उन्होंने किस तरीके से अपने विचार को व्यक्त किया यहाँ पर, और वो बहुत बड़ी बात है। जैसा मैम ने कहा कि अमावस्या की रात में अगर एक छोटा सा दीपक क्या, एक जुगनू भी अगर जल जाए तो बहुत उजाला फैलता है, और उसका उदाहरण मैडम ने दिया कि किस तरीके से ये नर्वस हो गई थी और एक कहीं से छोटा सा सहारा आया। ACC ऐसे छोटे और बड़े सहारों के लिए पिछले 80-90-100 सालों से जानी जाती है, और ये कमिटमेंट हमारे एशिया HR हेड श्री BK मिश्रा जी का कि वो हमेशा इसको जोड़ के रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज यहाँ पर उपस्थित मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने इस कीमती समय में। मनोज HP सिंह एंड माय ऑल सीनियर कलीग्स हियर, बहुत ही ज्यादा खुशी का महसूस हो रहा है हमें भी, जितनी आपको खुशी है उतनी उससे ज्यादा जो है कहीं हमको भी खुशी है। दो चीजों की खुशी है। पहली बात तो है कि अगर ACC की अगर बात करें तो आपसे थोड़ा सा ज्यादा उम्र रहा होगा जब हमने पहली बार ACC का CSR का काम देखा। ACC के साथ मैं सिर्फ 5 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन ये CSR का काम जो है, जैसे आज मध्य प्रदेश में यहाँ पे हम लोग आज बैठे हैं,
उस समय वो झारखंड जिला हुआ करता था, वहाँ पे खेलारी करके एक सीमेंट मंच था। तो पार्ट ऑफ स्टूडेंट, आप लोग जैसे स्टूडेंट थे और सीएसआर का काम देखने गए। एक अच्छी बात ये है कि एक अच्छी कंपनी की निशानी क्या होती है कि वो अपनी परंपरा को कायम रखे। तो अब हमारा उम्र का तो अंदाजा लग ही गया होगा, इतने साल पहले भी जो है कंपनी इस तरह का सीएसआर करती थी, और आज ये नए फॉर्म में ये जो विद्या सारथी है, क्योंकि इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि वही चीजें ना करें जिस चीजों की जरूरत हो और जिसकी जरूरत हो, जिस कम्युनिटी में जिसकी जरूरत हो। ठीक है, विद्या सारथी का जो प्रयास है, और खास करके विद्या सारथी का प्रयास एक अलग बात है, बट एनेट और यहाँ की सीएसआर टीम ने जो पार्टिसिपेशन किया है, एक जो हमारे पूरे सारी कंपनी में सारे प्लांट्स के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन सबसे आगे जो है कैमूर है और सबसे आगे जो है पाटली है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। सर्टिफिकेट्स भी आप सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनोज सर के साथ, हम अपने सहयोगियों का, अपने दोस्तों का हम हौसला। हमारे प्लांट के जस्ट पीछे बरापार शुपोल फ्रॉम बरापार, तालियों की गड़गड़ाहट में कुछ कमी नजर आती है। प्राची विश्वकर्मा, प्राची विश्वकर्मा, अंकित कुमार रजक, ही इज डूइंग आईटीआई फ्रॉम अमेंटा, अंकित कुमार रजक। हर्षधर बढ़ गईया, डिप्लोमा स्टूडेंट, अंकित इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑल्सो सर, ये कबड्डी में नेशनल लेवल का खिलाड़ी है अंकित रजक, जिसको हम अपने एसीसी द्रोणा कार्यक्रम के अंतर्गत भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हिमा हर्षधर बढ़ गईया, डिप्लोमा कैटेगरी। तो मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकती हूँ और कहना भी पसंद करती हूँ कि एसीसी में ना केवल हम सीमेंट बनाते हैं, लेकिन सीमेंट के समान मजबूत रिश्ते भी। कार्यक्रम अपने समापन की ओर है और एसीसी मैनेजमेंट की ओर से हमारे सभी अधिकारीगण जो आपके प्रोत्साहन के लिए बच्चों आज यहाँ उपस्थित है, उन सबों की ओर से हमारी प्रार्थना और शुभकामनाओं को मैंने चंद शब्दों में पिरोने की कोशिश की है, जो मैं आपके सामने बोलना चाहूंगी। ये आपके लिए एक प्रार्थना भी है और शुभकामना भी है। कृष्ण सा हो ये सारथी ये विद्या सारथी, कृष्ण सा हो सारथी ये विद्या सारथी, ज्ञान विज्ञान अच्छे परिणाम ले आगे बढ़े, इन बच्चों के संकल्पों को पूरा करे ये विद्या सारथी। जिले से लेकर देश में, कटनी जिले से लेकर देश में हर दिशा में नाम हो, मस्तक ऊंचा हो सभी का जिस पर हमें अभिमान हो, इन बच्चों के प्रयासों में, इन बच्चों के प्रयत्नों के यज्ञ में एक आहुति हो ये विद्या सारथी, एक आहुति हो ये विद्या सारथी।